जय हिंद दोस्तों, मैं दीपेंद्र कुमार द्विवेदी हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम है एनसीसी मिरर। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, आज मैं आपको ड्रिल का पार्ट 3, मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ड्रिल, जिसका मैं पार्ट 3 आपको बताने वाला हूँ। उसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा वो इस प्रकार से: नंबर 1 सावधान, नंबर 2 विश्राम, नंबर 3 आराम से, और नंबर 4 तेज चल, नंबर 5 थंब, नंबर 6 दाहिने मुड़, और नंबर 7 बाएं मुड़, और नंबर 8 पीछे मुड़। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नमूने भी दिखा सकूँ, बट एक दो चीज़ के अगर नहीं दिखा पाऊँगा तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और इसे ग्राउंड में सीखना ज़्यादा आसान है। वीडियो में जितना हो सकेगा मैं उतनी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कर लीजिए, और जो भी, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड की गारंटी लेता हूँ, और उसके लिए मैंने एक कंडीशन और बताई थी कि मैं आपको वीडियो में सारा नॉलेज दूंगा, उसके बाद मैं आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। तो दोस्तों, मैं नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल कराऊंगा, वहाँ पर मैंने एक चैनल बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज ड्रिल की हरकतें, ठीक है दोस्तों। तो ड्रिल की हरकतों में सबसे पहली जो हरकत होती है वो आपकी होती है सावधानी की। तो इसमें शरीर सीधा, चेहरा ऊपर, आंखें ऊपर ऊंचाई पर देखती हुई, मुट्ठी बंद, हाथ सीधे, अंगूठे आगे की ओर पैंट की सिलाई के पीछे होने चाहिए, एड़ियां मिली हुई तथा पंजे 30 अंश का कोण बनाते हुए दोस्तों। और विश्राम की बात आती है तो दोस्तों, इसमें बायां पैर 6 जमीन से ऊपर उठाते हुए 12 इंच बाएं ले जाते हैं, और शरीर का भार दोनों पैरों को बराबर डालते हैं तथा दोनों बाजू पीछे चित्र की भांति होती हैं दोस्तों। मतलब आपके बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ का हथेली, और उसके ऊपर फिर बाएं हाथ का अंगूठा, उसके ऊपर दाएं हाथ का अंगूठा, इस टाइप से आपका होता है दोस्तों। मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये आपका सावधान का सामने से देखने पर इस टाइप का नज़र आता है, और लेफ्ट साइड से देखने पर ये आपका नज़र आता है दोस्तों। दोस्तों, ये देखिएगा, आपकी जो पैंट की सिलाई यहाँ पर होती है, उसके ये हाथ पीछे को है। शरीर को बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है दोस्तों। इसी कार्रवाई को बयान से नमूना, जब वर्ड ऑफ कमांड मिलता है स्कॉट सावधान, तो बाएं पांव को हाई टू पैरल उठाते हुए दाहिने पांव के एड़ी के साथ बाएं पांव की एड़ी मिलाए, जब बाएं पांव जमीन पर लगता है तो शॉटिंग करें। 1 कार्रवाई को देखे, वर्ड ऑफ कमांड सावधान। इस पोजीशन में देखने वाली बातें, दोनों एड़ी मिली हुई और पंजे का एंगल 30 डिग्री, दोनों घुटने कसे हुए, दोनों बाजू दाहिने और बाएं तरफ पैंट की सिलाई के साथ मिला हुआ, मुट्ठी कुदरती तौर पर बंद, पेट अंदर की तरफ, छाती उठी हुई, कंधे पीछे खींचे हुए, गर्दन कलर के साथ मिला हुआ, चिन अप और निगाहें सामने जैसे था। अब दोस्तों, बात करते हैं विश्राम की। तो दोस्तों, ये देखिएगा, विश्राम का भी मैं आपको नमूना दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों, ये है विश्राम का नमूना। तो देखिएगा दोस्तों, नमूना इस टाइप का होता है। जब सावधान पोजीशन से वड़कमान मिलता है, विश्राम के वड़कमान पर बाएं पांव को थाई टू पैरल उठाते हुए बाएं तरह स्टैम्प करें, शॉटिंग करें। 1 कार्रवाई को देखे, वुड ऑफ कमांड विश्राम। पोजीशन में देखने वाली बातें, पंजे टू पंजे का फासला 18 इंच, एडी टू एडी का फासला 12 इंच, दोनों हाथ पीछे की तरफ कसा हुआ जैसे इस तरह जस्ट है। सामने से देखने पर ऐसा नजर आता है। और देखिए दोस्तों, मैंने बताया था बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर बाएं हाथ का अंगूठा, फिर दाएं हाथ का अंगूठा होता है दोस्तों। तो ये आपका विश्राम नमूना हो गया। दोस्तों, बात करते हैं अगले की। दोस्तों, बात करते हैं आराम से की। दोस्तों, आराम से में कमर के ऊपर का हिस्सा हिला सकते हैं, बातचीत नहीं, पैर अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे। मतलब दोस्तों, आपको जैसे आप विश्राम में खड़े होते हैं वैसे ही आराम से में खड़े रहना है, बस कमर के ऊपर जो बेल्ट के ऊपर के पार्ट्स हैं उन्हें हल्का बहुत हिला सकते हैं, ठीक
ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले की, तेज चाल। तेज चाल में बायां पैर व दाहिना हाथ, दोस्तों लेफ्ट पैर पहले निकलता है और राइट हैंड पहले निकलता है, तब बायां बाजू कंधे से तेजी के साथ पीछे निकालें। ठीक है दोस्तों, तेज चाल में 1 मिनट कदमों की संख्या निम्न होती है दोस्तों। गर्ल्स कैडेट जो होती है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, 110 कदम प्रति मिनट चलती हैं, और बॉयज़ कैडेट 116 कदम प्रति मिनट। रेजिमेंट यूनिट मैंने आपको बताया था 120 कदम चलते हैं, तभी इसे 120 स्टाइल मार्च बोलते हैं। और रिक्रूट कैडेट 135 कदम प्रति मिनट चलते हैं, राइफल यूनिट 140 कदम प्रति मिनट चलती है, तथा चेंजिंग वार्स दोस्तों मैंने आपको बताया था 180 चेंजिंग वार्स, तो वो 180 कदम चले आते हैं। तेज चाल में कैडेटों को सामने 100 गज दूरी पर देखकर चलना चाहिए दोस्तों, मतलब जब आप चलें तो आपकी आंखें जो देख रही हों आगे 100 गज दूर देख रही हों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अगले की, तो अगला है थंब। बायां पैर का पग पूरा करो, दाहिना पैर तेजी के साथ मिलाओ, जैसे बोला जाता है थंब, तो उसे बोलते हैं खाली, मतलब दाहिना पैर घिसटा के तो हल्का सा लाया जाता है, फिर वहाँ लाया जाता है, फिर उसके बाद बायां पैर पटका जाता है, फिर दाहिना पैर पटका जाता है, थंब खाली एक दो, ऐसे करके शाउटिंग होती है दोस्तों। स्कर्ट सामने से, टेट चल, लेफ्ट राइट लेफ्ट, स्कर्ट थंब खाली एक दो, जस्ट है। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले की, तो अगला है दाहिने मुड़। तो दोस्तों दाहिने मुड़ में ये खड़े खड़े दाहिने मुड़ का है, तो दोस्तों बाजू सही से चिपकी रहेंगी, दाएं पैर की एड़ी जिस तरफ मुड़ना होता है दोस्तों, अगर बाएं मुड़ना होगा तो बाएं पैर की एड़ी, दाएं तरफ मुड़ना होगा तो दाएं पैर की एड़ी, और उसके दूसरे पैर का पंजा। ठीक है दोस्तों, अगर दाएं मुड़े तो 90 डिग्री दाएं साइड में फिर घूमेंगे, मतलब दाहिने पैर की एड़ी पे और बाएं पैर के पंजे पर, और दोस्तों मुड़ जाएं तथा बायां पैर चटकी के साथ आगे लाते हुए दाहिने पैर के साथ मिलाएं दोस्तों, ऊपर को लेके जाना है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है दोस्तों, मतलब आपका पैर इस टाइप से उठाया जाता है आगे को। ठीक है दोस्तों, फिर इसे नीचे रखा जाता है। दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, 1 2 3 4 एक जस्ट है। अब बात करते हैं बाएं मुड़ में, तो दोस्तों बाएं मुड़ में बाएं पैर की एड़ी हो गई और दाहिने पैर का पंजा हो गया, और लेफ्ट साइड में 90 डिग्री मुड़ना है, और सेम वही प्रोसीजर है दोस्तों। बाया चलेगा, बाहें मुड़, 1 2 3 4 एक जस्ट है। अब बात करते हैं पीछे मुड़ की, तो दोस्तों पीछे मुड़ में दाहिने पैर की एड़ी होगी, पीछे मुड़ दाएं से मुड़ा जाएगा तो दाहिने पैर की एड़ी होगी, ठीक है, बाएं पैर का पंजा होगा, और 180 डिग्री घुमा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 180 घूमने के साथ चटकी से बायां पैर उठाकर पीछे लाएंगे दोस्तों। पीछे लड़का, पीछे मुड़, 1 2 3 4 एक जस्ट है। दोस्तों ए ग्रेड की मैं आपकी अभी बोल रहा हूँ कि गारंटी लेता हूँ, और जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे एग्जाम के टाइम पे, मैं नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, तो दोस्तों मैंने उसका अभी से चैनल बना दिया है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल कराना काफ़ी आसान है, इसलिए मैं टेलीग्राम पे नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। तो दोस्तों जिसको भी टेलीग्राम पे मेरा चैनल ज्वाइन करना है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों को शेयर कीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।